What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 30 जनवरी 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:14 हो रहे हैं। थर्सडे है, दो दिन के बाद बजट है। आज वीकली एक्सपायरी का दिन है। निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स काफ़ी वोलेटाइल मूव दिखा सकता है। कल हमें एक रिकवरी फेज देखने को मिला, लेकिन 20 DMA के ऊपर ये सस्टेन नहीं हो पाया निफ्टी इंडेक्स। तो ग्लोबल मार्केट्स में भी प्रेशर है, जो चाइना पे वायरस अटैक हुआ है उसके कारण। अगर चाइना में प्रोडक्शन बंद रहता है तो दुनिया भर में उसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ चाइना से इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर पार्ट्स खरीदती है और कई सारी चीज़ें इंपोर्ट करती है। तो यहाँ पर अगर चाइना में प्रोडक्शन बंद रहेगा तो इसका सीधा इम्पैक्ट दुनिया भर के कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर आज के निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन उससे पहले कल क्या है एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे। ये कल का पिक्चर है, यानी 29 जनवरी आफ्टर मार्केट आर्स ये पिक्चर लिया हुआ है। कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,086 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,023। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 10 मिनट का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स हमारा जो फर्स्ट टारगेट था इसके ऊपर ही ओपन हुआ और टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ही ये मूव कर रहा था। तो यहाँ पर हमारा जो प्री प्लान था मार्केट से पहले, इसके अकॉर्डिंग तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी। पूरे दिन एक साइडवेज पैटर्न में ये ट्रेड हो रहा था, एक 60 पॉइंट्स के रेंज में ये ट्रेड हो रहा था। नीचे आने की कोशिश की, लेकिन एग्जैक्ट हमारा जो फर्स्ट टारगेट का इसी लेवल के पास इसने एक बार फिर से सपोर्ट टेस्ट किया और फिर से एक साइडवेज जोन में ये ट्रेड करते रहा। तो कल के हमारे प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। तो ये था कल के एनालिसिस का एक रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार में जो रिकवरी आई थी वो फिर से हमें सस्टेन होते हुए दिखाई दे रही थी, हालांकि मामूली बढ़त के साथ नासडैक कल बंद होते हुए दिखाई दिया। यूरोपियन मार्केट्स में भी सभी मार्केट्स हरे निशान में बंद हुए। आज जब एशियाई मार्केट्स ओपन हो चुके तो फिर से एक बार दबाव के अंदर ट्रेड करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 21 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, निक्केई 365 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है और ताइवान मार्केट भी 500 पॉइंट्स की लगभग हमें गिरावट दिखा रहा है। चाइना मार्केट बंद है, वहाँ पर चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टियाँ चल रही है। डाउ फ्यूचर देखे तो 120 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में एक प्रेशर बना हुआ है, बल्कि हमें कल एक रिकवरी देखने को मिली थी। हालांकि अभी ये सस्टेन होता है ऊपर की तरफ, हमें ट्रेंड रिवर्सल दिखाई देता है या नहीं ये देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स में। निफ्टी का वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह निफ्टी का वीकली चार्ट अगर आप हमें कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया है। ट्यूसडे को इसने क्लोज दिया था 23.6% के लेवल के नीचे। हालांकि जैसे अभी तक ये वीकली चार्ट को हम एनालिसिस कर रहे हैं, अभी तक ये वीक खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये 12,114 का अब तक कहा जा सकता है ये सपोर्ट, यहाँ पर अभी भी टेस्ट कर रहा है, इस लेवल को पेनेट्रेट कर रहा है। अगर यहाँ से और निफ्टी में अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव आता है तो 11,900 के पास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। लास्ट पास्ट में कई सारे वीक यहाँ पर इस लेवल ने रेजिस्टेंस का काम किया, उसके बाद सपोर्ट का भी काम किया है। तो ये लेवल काफ़ी क्रूशल है, 11,918। कल हमने देखा था डेली चार्ट में ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से हमने ड्रॉ किया था, जैसे कि पास्ट में इसने इस लेवल के पास से दो बार इसने स्विंग लो बना के एक बाउंस बैक दिखाया है, ये ऐसे ये देखिए। तो क्या अभी ये फिर से यहाँ से ऐसे बाउंस बैक दिखाएगा? अभी फिलहाल कल जो रिकवरी फेज आया था उसके बाद ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव हुआ, लेकिन ये जो 20 EMA का यहाँ पर हर्डल है जो कि अराउंड अभी 12,181 के पास है, इसको ब्रेक करना काफ़ी ज़रूरी है। इसके ऊपर अगर कोई सस्टेनेबल मूव आता है तो ही यहाँ से हमें ये अपवर्ड रैली कंटिन्यू होते हुए नज़र आएगी। फिलहाल अगर हम इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दें तो ये अभी फ़िलहाल ऐसे डाउन ट्रेंड के पैटर्न में ये ट्रेड हो रहा है। एवरी स्विंग लो काफ़ी क्रूशल बन जाता है। अगर ये स्विंग लो को ब्रेक करके चला गया तो ये कंटिन्यू लोअर हाइज लोअर लो का पैटर्न बनाएगा और टूवर्ड साउथ की तरफ मूव दिखाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हमें पैटर्न लाइन चार्ट में हायर हाइज बनते हुए दिखाना चाहिए, तो ही हम यहाँ से ऊपर की तरफ एक लॉन्ग एक नॉर्थवर्ड मूवमेंट हम देख
सकते हैं। तो यहाँ पर अभी डेली चार्ट में ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के बीच में ये ट्रैप हो चुका है। तो यहाँ पर ऊपर में 12,181 का हर्डल है और नीचे ये सपोर्ट जो दिख रहा है आपको 50 EMA का, वो अभी 12,088 के पास है और ट्रेंड लाइन का मेजर सपोर्ट होगा। ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स और भी यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ हमें मूव दिखा सकता है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में। कल एक साइडवेज जोन में मार्केट ट्रेड हो रहा था, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे एक रेंज क्रिएट हुआ था। तो कल का अगर हाई ब्रेक करता है तो काफ़ी सारे हर्डल से यहाँ पर पिवट पॉइंट का R1 का लेवल है, फिर 50 EMA है, कहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस करके फिर से टर्न हो सकता है, रिवर्स हो सकता है ट्रेंड, ये कहाँ नहीं जा सकता। तो काफ़ी रिस्की होगा आज के लिए बाय पोजिशन इंट्राडे में बनाना। तो यहाँ पर अगर ये 20 EMA, यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है, यहाँ पर ही कुछ ही दिनों पहले इसने एक जो डाउनफॉल आया था उसके बाद एक पॉज लिया था इस लेवल के पास। तो 50 EMA को जैसे ही ये ब्रेक करता है तो ही हम यहाँ पर आज के लिए इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हमारा आज के लिए होगा ब्रेकआउट लेवल, यहाँ पर इसे मार्क कर देते हैं, ये हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,189, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का ये R2 का लेवल जो कि 12,200 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो कल का ये जो लो बनाए वो कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए, उसके नीचे S1 का पिवट पॉइंट का लेवल है, इसको भी अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, यानी 12,099 ये हमारा होगा आज के लिए ब्रेक डाउन लेवल। तो इसे हम मार्क कर देते हैं एज अ ब्रेक डाउन लेवल, ये होगा हमारा ब्रेक डाउन लेवल। और इसके बाद हमारा आज के लिए फर्स्ट टारगेट होगा 12,078, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 12,062, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।